हेलोवीन का भी डेकोरेट कर दिए। पता है एक कोई मॉल है वीआईपी किस्म के अंदर सोफे लगाए हुए, तो चलते हैं न्यूयॉर्क के अंदर स्टोर में। आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे आप सब ठीक है? एक और न्यू व्लॉग में आपको वेलकम किया जाता है। तो आज संडे का दिन है, तो जर्नी में स्पेशली संडे का दिन बहुत ज्यादा बोरिंग होता है क्योंकि हर चीज ही बंद होती है। इसीलिए मैं और अली बलाज, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, खेल रहे थे, तो अभी भी मैं और अली, ये देखें अली, हाय अली, क्या हाल है यार, ठीक हो? तो मैं और अली गपशप लगा रहे हैं, उसके साथ खाना भी खाएंगे। वाह अली ये देखो, तो जी ये अली की बालू है और ये अली का, अली और बलाज दोनों का घर है। ये देखें जी, ये बलाज का छोटा सा बालू है और अली अपना घर निकाल रहा है कि इसको मैं जोड़ के दूं तो ये खेले यहाँ पे। और बलाज से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अली इधर आओ यार, बलाज हेलो हेलो बोल, क्या हाल है, ठीक है? हाँ बलाज ठीक है। अली आप भी हेलो करो जरा, ठीक है? ठीक है अली के हेलो भी, जी बड़ी महंगी हेलो होती है, बच्चे तो घर के रौनक होती है, भूख बहुत सख्त लगी हुई है, देखते हैं घर में क्या बन रहा है आज। माशाल्लाह हमारे किचन में पुलाव बना है, इसको खाते और चेक करते हैं। ये माशाल्लाह पुलाव आ गया हमारे पास, इसको खाते हैं और चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं कि कैसा बेगम ने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है माशाल्लाह। जी हम निकल आए हैं बाय अली और बलाज के साथ बाहर। माशाल्लाह अभी बड़ा प्यारा मौसम हो गया है, तो थोड़ी सी चहलकदमी करने के लिए आ गए बाय। आसमान भी माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा साफ साफ है। हाँ वो बलाज बता रहा, उसके वो कीटा के कीटा की तरफ रास्ता जाता है सामने वाली सड़क। चला आ जाओ आ जाओ। ये देखें जी आज संडे है, हर चीज़ ही बंद है। आपको दिखाता हूँ आगे, क्योंकि यूरोप के कई मुल्कों में संडे को ये शॉप्स ओपन होती हैं, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में सुनाटा पड़ा हुआ है, आपको बंदा भी कोई ज़्यादातर नज़र नहीं आएंगे। ये देखें ताले लगे हुए, संडे स्पेशली जर्नी बहुत बोरिंग होता है। कल वाली वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मेरे साथ आज साहिल और इब्राहिम है, और साहिल के गोदी में एक शॉपर जिसमें इनके छोटे जो छोटे हो गए कपड़े वो हैं, वो इधर यहाँ पे दो बॉक्स लगे हुए हैं रेड क्रॉस वाले, तो वहाँ पे जाके डालते हैं, तो किसी ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी इस तरह के ये बॉक्स लगे होते हैं, इस तरह इसमें डालें और ऐसे प्रेस कर दें तो वो चला गया। तो इस तरह के ये बॉक्स होते हैं हर जगह पे, और ये इब्राहिम है। तो जी यहाँ पे इस तरह हर रोड पे ऐसी तख्ती होती है और नाम लिखा होता है, मैक्सिमिलियन केला स्ट्रास है, वेस्टकम स्ट्रास है। तो जा रहे साहिल और इब्राहिम को नई जैकेट और शूज़ लेके देने, क्योंकि सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया, और इनको जो पिछले साल की जैकेट थी वो छोटी हो गई है, तो अभी नई लेके देनी है। तो अभी देखते हैं बस में हमारे आने में कितना टाइम रहता है। अभी 12:09 हुए, तो देखते हैं जी किस टाइम आनी है। 12:17 पे मज़ीद 8 मिनट इंतज़ार करना पड़ना। तो ये बस स्टॉप है, उसकी क्लोज उतर आए हैं, तो वो सामने सेंड एक स्टोर है, वहाँ भी जाने लगे हैं। ब्रेन तो ये जैकेट पूरी आ गया, टोपी ऊपर करो जरा। वो इधर देख, जैकेट हमें मिल गई, और रास्ते में इनको भूख लगी है, इन्होंने लिए फिश एंड चिप्स। हेलोवीन का भी डेकोरेट कर दिए,
लगता है कोई मॉल है, वीआईपी किस्म के अंदर सोफे लगाए हुए हैं। तो चलते हैं न्यूयॉर्क के अंदर स्टोर में साहिल के लिए, यहाँ से कोई जैकेट मिल जाए। ये थोड़ी छोटी है, दूसरा साइज चेक करते हैं। ये वाली जैकेट साहिल को पूरी है कि नहीं? ये पूरी जैकेट ना, चलो जबरदस्त। साहिल को वो जैकेट पसंद नहीं है, दूसरी चेक कर रहा है। एक कोई नया डिज़ाइन है, मैंने तो आज पहली दफ़ा ही देखा है। साहिल को ये भी इस पे राजी नहीं है। कैसी है? तो साहिल को ये जैकेट पसंद आई आखिर का। यार स्टोर है बहुत ही बड़ा। ये इब्राहिम की जैकेट आ गई है, ये 40 यूरो की, ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 11-12 हज़ार। और साहिल की भी इस तरह ही है, 40 यूरो की, ये भी तकरीबन 11-12 हज़ार बनते हैं। और वो शूज़ जो हैं ये 25 यूरो के हैं साहिल के, इब्राहिम के भी 25 यूरो के हैं। तो ये 25 यूरो बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 8-9 हज़ार। और ये क्यों से इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी भाई मेरे से पूछते हैं कि वहाँ पे इनकी क्या प्राइस है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और अली के कहाँ कारनामे चेक करें आप, अली फुल एक्टिव हुआ है इस टाइम। पिछली दफ़ा आपने ये तंदूरी देखी होगी, इस पे हम पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो आज इस पे रोटी बन रही है। तो स्पेशली है ये रोटी के लिए, लेकिन इसमें माशाल्लाह बड़ी प्यारी रोटी बनती है। तो जी सामने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा है, तो साथ एक कप चाय आया है, क्या बात है। तो जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मुबशर मलिक को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।